Today in online classes we will read the book on page number 8. Pottery. Pottery is the craft of making utensils with clay. जो पॉटरी है वो एक शिल्प है और मेकिंग यूटेंसिल्स बर्तनों को बनाने की विद क्ले मिट्टी से मिट्टी के जो बर्तनों को बनाने की जो कला है दैट इज नॉन एज पॉटरी उसे हम पॉटरी कहते हैं. इट इज ए रिलेबल सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. यह एक रिलेबल सोर्स है इंफॉर्मेशन का अबाउट द पास्ट पास्ट के बारे में स्पेशली द पीरियड और विशेष रूप से उस काल के बारे में फॉर विच वी डू नॉट हैव रिटन रिकॉर्ड्स जिसके हमारे पास लिखित रिकॉर्ड्स नहीं है. अपार्ट फ्रॉम द पॉटरी पॉटरी के अलावा मेटल पॉट्स एंड पॉट्स आल्सो टेल अस अबाउट द पास्ट ये भी हमें पास्ट के बारे में बताते हैं. मॉन्यूमेंट्स स्मारक एशियन टेम्पल्स मॉस्क टॉम्स स्तूपाज पैलेसेज एंड फोर्ट्स आर रिफर्ड टू एज मॉन्यूमेंट्स. एशियन टेम्पल्स प्राचीन मंदिर मॉस्क मस्जिद स्तूपाज पैलेसेज महल फोर्ट्स आर रिफर्ड टू एज मॉन्यूमेंट्स. ये मॉन्यूमेंट्स के नाम से जाने जाते हैं. दे गिव an insight into the architectural marvel and the also throw light on the socio religious and cultural life of the people. They give an insight ki hame ek insight jankari dete hain andar ki into the architectural jo marvel hai and also throw light aur prakash dalte hain on the social religious and cultural life जो लोगों का सामाजिक धार्मिक और जो सांस्कृतिक जीवन है ऑफ द पीपल ऑफ द एज व्हेन दे वर बिल्ट रीबिल्ट रिपेयर्ड एंड अल्टर्ड. जब उन्हें बिल्ट बनाया गया रीबिल्ट फिर से उनका निर्माण कराया गया रिपेयर्ड या मरम्मत की गई अल्टर्ड. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द सांची स्तूपा इन मध्य प्रदेश बाज और जल्दी गेट ऑफ ब्रिक्स ये वास्तव में अजलन रूप से ईंटों का बना हुआ था. इन अशोकाश टाइम अशोक के समय में ड्यूरिंग द संग पीरियड के दौरान इट वॉज नियरली डबल सरकमफ्रेंस या सरकमफ्रेंस में डबल हो गया. स्टोन्स रिप्लेस्ड द ब्रिक्स और ईटों की जगह पर स्टोन्स पत्थर हो गए. और द अशोका टाइम अशोका के समय में फोर गेट्स बन इन द ईस्ट डायरेक्शन चार गेट और प्रत्येक दिशा में एक बर एडेड टू ब्यूटी ब्यूटीफाई वो इसमें और अधिक सुंदरता जोड़ देता है. फ्रॉम एन इंस्क्रिप्शन ऑफ द साउथर्न गेट और साउथर्न गेट की जो इंस्क्रिप्शन है वी कम टू नो हमारी जानकारी में आता है दैट इट वॉज डोनेटेड बाई किंग सतकरानी के द्वारा ये डोनेट किया गया था. द नॉर्थर्न गेट एंड द पैनल डिपिक्स और नॉर्थर्न जो उत्तरी गेट है और जो पैनल्स हैं वो ये प्रदर्शित करते हैं स्टोरीज फ्रॉम द जातकाज की जो कहानियाँ हैं. लिटरेरी सोर्सेज ऑल काइंड्स ऑफ रिटन रिकॉर्ड्स आर रिकॉर्ड टू एज लिटरेरी सोर्सेज सभी प्रकार के जो लिखित रिकॉर्ड हैं वो लिटरेरी सोर्सेज के नाम से जाना जाता है उन्हें. द अर्ली रिकॉर्ड्स ऑफ द इवेंट्स और घटनाओं के जो प्राचीन रिकॉर्ड्स हैं एंड मेमोरीज पर रिटेन पर हैंड रिटेन ये हाथों के द्वारा लिखे हुए थे. देवर कार्ड मनुस्क्रिप्ट उन्हें मनुस्क्रिप्ट कहा जाता है. द बर्ड मनुस्क्रिप्ट हैज बीन डेरिव्ड फ्रॉम लैटिन बर्ड्स मनु यह लैटिन बर्ड मनु से लिया गया है विच मीन्स जिसका मतलब है हैंड एंड स्क्रिप्ट विच मीन्स रिटन मैटर जिसका मतलब है लिखित मैटर. मैन्युस्क्रिप्ट पर रिटन ऑन पाम लीफ उन्हें पाम लीफ पर लिखा गया था. बार्क ऑफ ब्रिज ट्रीज और ब्रिज पेड़ की बार्क छाल पर ग्रोन इन द हिमालय जो हिमालय में ग्रो होता है. लेटर ऑन पेपर और बाद में पेपरों पर ओवर द ईयर्स सम मैन्युस्क्रिप्ट्स गॉट डिस्ट्रॉयड और कुछ सालों में जो कुछ मैन्युस्क्रिप्ट थे वह नष्ट हो गए बट स्टिल मोस्ट ऑफ देम आर प्रिजर्व्ड इन टेम्पल्स लेकिन आज भी उनमें से ज़्यादातर मंदिरों में प्रिजर्व है. मोनेस्ट्रीज एंड आर्चिव दीज लिटरेरी सोर्सेज फोकस ऑन सोशल एंड इकोनॉमिक राइट ये जो लिटरेरी सोर्सेज हैं ये फोकस डालते हैं सामाजिक धार्मिक विश्वासों पर प्रेसिडेंट कल्चर्स ऑफ द पास्ट जो पास्ट के समय की जो कल्चर्स हैं एंशियंट लिटरेचर बाय रिटेन इन पैराकृत और जो प्राचीन लिटरेचर था वह पैराकृत में लिखा गया पाली संस्कृत एंड तमिल लैंग्वेज. फॉर एग्जाम्पल उदाहरण के लिए द महाभारत एंड रामायण पर रिटन इन संस्कृत महाभारत और रामायण को संस्कृत में लिखा गया बिकॉज देवर अथर्ड इन नॉर्थर्न पार्ट ऑफ इंडिया क्योंकि वो भारत के उत्तरी पार्ट में अथर्ड थे लिखी गई थी उत्तरी पार्ट्स के उनके अथर्स थे. वेयर संस्कृत हैपेंड टू बी इन द मेन लैंग्वेज जहाँ पर संस्कृत मेन लैंग्वेज थी. अदर हैंड दूसरी तरफ सिल्पडी करम एंड मैनी
में कलई पर रिटन इन तमिल सेंस, ये तमिल में लिखा गया। दे डिस्क्राइब द लाइफ ऑफ द पीपल, ये लोगों के जीवन को डिस्क्राइब करती हैं। इन साउथ इंडिया दक्षिण भारत में द लिटरेरी सोर्सेज कैन बी डिवाइडेड इनटू रिलीजियस एंड नॉन रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर। जो लिटरेरी सोर्सेज थे उन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, रिलीजियस नॉन रिलीजियस और सेकुलर लिटरेचर। रिलीजियस लिटरेचर द वेदास एंड द पुराण्स कंटेन्स डिटेल्स ऑफ रिचुअल्स प्रेयर्स एंड रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंशिएंट टाइम। जो वेद और जो पुराण है उनमें रिचुअल्स, पुरानी परंपराएं, संस्कार, प्रेयर्स, प्रार्थनाएं, रिलीजियस प्रैक्टिसेस और धार्मिक क्रियाकलाप ऑफ द एंशिएंट टाइम प्राचीन काल के उनमें कंटेंट शामिल है। देवर किया गया था एज सैक्रेड और लिटरेरी सोर्सेज के रूप में। सम सच सोर्सेज आर ऋग्वेद, विष्णु पुराण, महाभारत एंड द रामायण। कुछ इस प्रकार के जो स्रोत हैं वो ऋग्वेद, विष्णु पुराण, महाभारत और रामायण है। नॉन रिलीजियस लिटरेचर, नॉन रिलीजियस लिटरेचर इंक्लूड हिस्टोरिकल अकाउंट्स एंड बायोग्राफी। इनमें सम्मिलित है हिस्टोरिकल अकाउंट्स और बायोग्राफी रिटन बाई द पोइट्स, कवियों के द्वारा जो लिखी गई, और विदेशी यात्रियों के द्वारा फ्रॉम टाइम टू टाइम समय समय पर। दे आर कॉल्ड सेपरेट लिटरेचर, इन्हें सेपरेट लिटरेचर कहा जाता है। धर्म निरपेक्ष साहित्य, दे वर रिटन टू रिकॉर्ड इवेंट्स, इन्हें लिखा गया इवेंट घटनाओं को रिकॉर्ड करने के लिए। रूल्स ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, और उस कंटेम्प्रेरी इन समकालीन एट दैट टाइम, उस समय का जो समाज था। एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस, और शासन संबंधी नियम। बुक्स सच ए धर्मशास्त्राज एंड कौटिल्याज अर्थशास्त्र, किताबें जैसे कि धर्मशास्त्र और कौटिल्य का अर्थशास्त्र बिलोंग टू दिस कैटेगरी, को इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। द अकाउंट्स ऑफ द फॉरेन ट्रेवलर्स, और विदेशी यात्रियों के जो अकाउंट्स हैं। सच ए इंडिका रिटन बाई ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज, जैसे कि इंडिका जिसे कि ग्रीक एम्बेसडर मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया। इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त के दरबार, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। एंड द राइटिंग्स ऑफ द चाइनीज ट्रेवलर्स, और चाइनीज ट्रेवलर्स की राइटिंग्स। फा हीन एंड हीन संत हु विजिटेड इंडिया, जिन्होंने भारत में भ्रमण किया। इन द पास्ट आर ऑल्सो सेवलन लिटरेचर, पिछले समय में ये भी सेवलन लिटरेचर है, धर्म निरपेक्ष साहित्य है। दे डिस्क्राइब द पॉलिटिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द सर्टेन पीरियड, और वो कुछ निश्चित काल के लोगों के राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक जीवन को रिफ्लेक्ट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। टाइम फ्रेम इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में टाइम फ्रेम। हिस्ट्री हैव डिवाइडेड द टाइम ऑफ द हिस्ट्री एज बीसी एंड एडी। हिस्टोरियंस हैव डिवाइडेड द टाइम ऑफ हिस्ट्री, जो इतिहासकार हैं उन्होंने हिस्ट्री के टाइम्स को बीसी और एडी में डिवाइड किया है। बिफोर द क्राइस्ट एंड एनो डोमिनी, एडी मीन्स एनो डोमिनी। द एब्रीविएशन बी सी स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट, जो बी सी एब्रीविएशन है वह बिफोर क्राइस्ट के लिए स्टैंड्स है। रेफर टू द पीरियड इन द हिस्ट्री, और ये हिस्ट्री में समय को रेफर करता है। बिफोर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, क्राइस्ट के बर्थ से पहले के। एडी स्टैंड फॉर एनो डोमिनी मीन्स इन द ईयर ऑफ द लॉर्ड, भगवान की साल में। एंड रेफर टू द पीरियड इन हिस्ट्री आफ्टर द बर्थ ऑफ द क्राइस्ट, और ये उस पीरियड को रेफर करता है जो क्राइस्ट के जन्म के बाद का जो समय है। Yeah.